इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में 200 डेज सर्वाइव करने की। लास्ट एपिसोड में हमने काफी सारी चीजें की थी, जैसे डर्ट से एक बड़ा सा कैसल बिल्ड किया था, काफी स्ट्रगल के बाद पानी इकट्ठा किया था, एक जॉम्बी विलेजर को क्योर किया था और फाइनली गुड़ इकट्ठा की थी। इस वीडियो में भी हमारे कुछ टारगेट्स होने वाले हैं। पहला, एक आयरन का आर्मर बनाना, दूसरा एक घर बनाना और तीसरा इस पूरी जगह को ट्रांसफॉर्म करना। इस वीडियो को बनाते हुए भी हमें काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो हो सके तो लाइक जरूर करना एंड या एंजॉय द वीडियो। तो डे 101 पर हमने वापस से गेम शुरू की। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें की थी। मॉस ब्लॉक से हमें अजेलिया मिले थे, लेकिन इन्हें ग्रो करने के लिए हमें बोन मिल चाहिए, लेकिन लकीली हमें एक ट्रेडर मिल गया था, तो उससे मैंने कुछ स्प्रूस सैपलिंग्स खरीद ली थी और स्पार्क ने एक मॉब फार्म बनाया था जिसके अंदर बहुत सारे मॉब्स, एक भी मॉब स्पॉन नहीं होता। सबसे पहले मैंने काफी सारी सैपलिंग्स फार्म की और उसके बाद थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा करके टूल्स बनाए। लास्ट एपिसोड में हमने एक ज़ॉम्बी विलेजर भी कैप्चर किया था, लेकिन अब वो पता नहीं कहां पर है। डे 2 पर हमने खेत बनाकर काफी सारी कैरेट फार्म की और पूरा दिन इसी काम में खत्म हो गया। हमारे मॉब फार्म के अंदर काफी सारे ग्लो स्किड्स स्पॉन हो रहे थे और उसमें मुश्किल से ही कोई ढंग का मॉब स्पॉन हो रहा था, तो मैं गया फार्म के ऊपर, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि मैंने फार्म को आधा ही बनाया था और वो ऊपर से आधा खुला हुआ था, जिसकी वजह से उसमें मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे। लेकिन उससे पहले मैंने फार्म के अंदर डर्ट को वुड से रिप्लेस किया और फिर मैंने फार्म को पूरा बंद किया और हमारी ग्लो स्किड की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। उसके अंदर अभी भी ग्लो स्क्विड स्पॉन हो रहे थे, लेकिन फिर भी फार्म पहले से काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद मैं फिर से फार्म के ऊपर गया और मैंने साइड वाले ब्लॉक्स को भी वुड से रिप्लेस कर दिया, तो फाइनली हमारी स्क्विड की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। अभी भी उसके अंदर काफी सारे स्क्विड स्पॉन हो रहे थे, लेकिन बचे हुए दिन मैंने सिर्फ AFK किया। प्रोग्रेस करने के लिए हमें विलेजर्स चाहिए थे। लास्ट एपिसोड में हमारे पास एक विलेजर था भी, लेकिन वो बेचारा मर गया, तो अब हमारे पास एक भी विलेजर नहीं है। हमारे पास पहले से एक गोल्डन एप्पल था, लेकिन दूसरे विलेजर को क्योर करने के लिए हमें एक और गोल्डन एप्पल चाहिए था, जिसका मतलब था कि हमें फिर से थंडरस्टॉर्म का वेट करना पड़ेगा और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अगले काफी दिनों तक मैं सिर्फ वुड इकट्ठा करता रहा। अगले दिन मैंने सबसे पहले फार्मिंग की। मॉब फार्म के अंदर मॉब स्पॉन तो हो रहे थे, लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि इसका रीजन पुराने वाला मॉब फार्म होगा, क्योंकि वहां पर अभी भी बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, तो मैंने उसके ऊपर जाकर बहुत सारे ब्लॉक्स रिमूव कर दिए ताकि वहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो। नेक्स्ट डे वहाँ पर मॉब स्पॉन होना बंद हो गए। इसके साथ ही मैंने उस एरिया को थोड़ा रिपेयर भी किया। फिर मैंने अपने नए वाले मॉब फार्म के ऊपर जाकर AFK किया और अब वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। थोड़ी देर बाद एक विश स्पॉन हुई, तो मैंने उसे बोट में कैप्चर कर दिया। हमारे पास गोल्डन एप्पल भी पड़ा हुआ था, तो अब हमें इंतजार था सिर्फ एक ज़ॉम्बी विलेजर का। इसके साथ ही AFK करते हुए काफी सारी चमत्कारी चीजें भी हुई, लेकिन लकीली मैं जिंदा बच गया। नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ मॉब्स को मारा और इसके साथ ही मैंने मॉब फार्म के नीचे वाला हिस्सा वुड से रिप्लेस कर दिया, ताकि अगर कोई क्रीपर फटे भी तो मैं जिंदा बच जाऊं। और उसके बाद हमें फिर से दर्शन दिए ट्रेडर भाई ने, जो कि इस बार सैंड बेच रहे थे, तो मैंने उससे काफी सारी सैंड खरीद ली, जिसका हम पता नहीं क्या करेंगे। उसके बाद मैंने वापस से काम कंटिन्यू किया और तभी थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई और फाइनली थंडर्स नहीं आया, वो सिर्फ नॉर्मल बारिश थी। लेकिन हमारे पास काफी कम सुअर थे, तो मैंने उन्हें ब्रीड कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने पूरा दिन वुड काटी और उसके बाद फार्म में एक विच स्पॉन हुई थी, तो हम उसे कैप्चर करने लगे। मतलब स्पार्क उसे कैप्चर कर रहा था, मैं तो सिर्फ देख रहा था, लेकिन हमारे पास पहले से एक विच थी भी, तो पता नहीं हम दूसरे विच क्यों कैप्चर कर रहे थे। नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले सुअरों को ब्रीड करवाया और उसके बाद काफी देर तक ज़ॉम्बी विलेजर के लिए AFK किया, क्योंकि हमारा पुराना विलेजर शहीद हो गया था। और थोड़ी देर बाद लकीली एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि बॉट फ्लेम मॉब फार्म के कुछ ज्यादा ही नजदीक चला गया और क्रीपर भाई फट गए और हमारा ज़ॉम्बी विलेजर शहीद हो गया। नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ AFK किया, लेकिन उस दिन कुछ भी स्पॉन नहीं हुआ, तो अगले दिन भी मैंने सिर्फ AFK किया और डे 11 तक मैंने बहुत सारी वुड और काफी सारी सैपलिंग्स इकट्ठा कर दी थी। उसके बाद मैंने वापस से सुअरों को ब्रीड किया, फिर मैं थोड़ी बहुत फार्मिंग कर रहा था और तभी मुझे पता चला कि हमारे कैसल के अंदर खुद ही एक एंडरमैन फार्म बन चुका था, जिसके अंदर बहुत ही सारे एंडरमैन थे, लेकिन अफसोस हमें एंडर आइज की कोई भी जरूरत नहीं है। और फाइनली एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ, लेकिन उसे बाहर निकालने से पहले मैंने मॉब फार्म को ऊपर से बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला था। ज़ॉम्बी को बोट में कैप्चर करने के बाद अब बारी थी उसे क्योर करने की, तो मैं उसे क्योर करने लगा, लेकिन विच ने मुझे पेल दिया। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने अपना मिशन दोबारा कंटिन्यू किया और फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैं भी शहीद हो गया। अब तो ये काफी नॉर्मल हो गया है, नूब। थोड़ी देर बाद हमारा विलेजर क्योर हो गया, तो उसे हमने डर्ट हाउस में कैप्चर कर दिया और फिर उसे किसान बनाया। उसके बाद मैंने पूरा दिन उसे ट्रेडिंग की और आगे हमें ट्रेडिंग के लिए काफी सारे एमरल्ड भी चाहिए थे, और लकीली विलेजर व्हीट कैरेट और पंपकिन के बदले एमरल्ड बेच रहा था, और ये तीनों ही चीजें हमारे पास पहले से थी, तो उससे हम काफी सारे एमरल्ड खरीद सकते थे, और साथ ही वो काफी सारे सेब भी बेच रहा था, तो उससे हम गोल्डन एप्पल भी बना सकते थे। डे 15 पर मैंने पूरा दिन सिर्फ फार्मिंग की और विलेजर से ट्रेड किया।
और इसी बीच एक और जॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ, तो मैंने जल्दी से उसे कैप्चर कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले मॉब फार्म पर एएफके किया, फिर पिगी भैया को ब्लीड करवाया, उसके बाद फिर से काफी देर तक एएफके किया। रात के टाइम एक विच स्पॉन हुई तो मैंने उसे भी कैप्चर कर दिया। तो अब हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी और वो था गोल्डन एप्पल, और गोल्डन एप्पल के लिए हमें वेट करना था थंडरस्टॉर्म का। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर से मॉब मारे, उससे अगले दिन मैंने पुराने मॉब फार्म को रिमूव करना शुरू किया, लेकिन हमारे पास सिर्फ घटिया वुड के शवल थे तो उस काम में बहुत ज्यादा दिन लग गए। हमारे पास काफी सारी गाजर थी पर अभी तक हमारे पास वीट नहीं थी, तो मैंने पूरा दिन बोन मिल का यूज करके सीड्स इकट्ठा किए। नेक्स्ट डे मैं स्लाइम को मार रहा था, लेकिन फिर से मेरे इंटरनेट ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। ये सारे एंडरमैन यहाँ पर फंस कैसे रहे हैं? लगता है यहाँ पर एंडरमैन की पार्टी चल रही है। और अब हमारे पास इतने सारे सूअर थे कि वो खुद ही एक दूसरे को कुचल कर मार रहे थे। खेत पर काफी सारे स्लाइम स्पॉन हो रहे थे जिससे कि खेत का एरिया बर्बाद हो रहा था। और उसके बाद मैंने फाइनली वीट फार्म की और डे 19 पर ही मैंने वीट और गाजर के साथ ही पंपकिन भी फार्म कर दिए। उसके बाद मैंने डैमेज्ड एरिया को रिपेयर किया और डे के एंड में एक ज़ॉम्बी ने मुझे ऑलमोस्ट टपका दिया था। डे 20 पर भी मैंने पूरा दिन ट्रेडिंग की और इसके अलावा हमने अपने टेम्परेरी मॉब फार्म को भी हटा दिया। डे 21 पर मैं फिर से फार्मिंग कर रहा था और फाइनली थंडरस्टॉर्म नहीं आया। मॉब फार्म रिमूव करने के बाद मैंने अपने बेस के अंदर वाले ब्लॉक्स को रिमूव करना शुरू किया, क्योंकि अब हमारे पास शवल थे जिससे कि हम स्पॉन प्रूफिंग कर सकते थे। इसके साथ ही मैं पिगी भैया को भी ब्रीड करवाता रहा। डे 125 पर मैंने अपने स्विमिंग पूल के अंदर चिल किया। आई नो कि ऐसा लग नहीं रहा है पर बिलीव मी गाइस, मैंने सच में चिल किया। पूरा दिन मैंने फिर से फार्मिंग और ट्रेडिंग की और नेक्स्ट डे मुझे फाइनली पता चला कि स्पार्क भाई ने एरिया से ब्लॉक्स क्यों रिमूव किए, ताकि वहां पर काफी सारे स्लाइम स्पॉन हो जाए और वो हमारी लंका लगा दे। लेकिन इसी बीच एक अच्छी चीज हुई और फाइनली थंडरस्टॉर्म नहीं आया। अभी भी सिर्फ नॉर्मली बारिश थी। साले मजा। मैं ट्रेडिंग और फार्मिंग करके काफी ज्यादा बोर हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं काफी सारे डर्ट ब्लॉक्स इकट्ठा करूं। तो मैंने अगले 3-4 दिनों तक सिर्फ डर्ट ब्लॉक इकट्ठा किए और अब हमारे पास पूरी चेस्ट भरकर डर्ट ब्लॉक्स थे। लेकिन एक मिनट, हमारे पास पहले से ही वुड है तो इसका यूज हम करेंगे किस चीज के लिए? नूब। और उसके बाद मैंने फिर से अपना फेवरेट काम शुरू किया जो था ट्रेडिंग और फार्मिंग का। नेक्स्ट डे मैंने पूरा दिन सिर्फ ट्रेडिंग और फार्मिंग की और उसके नेक्स्ट डे भी मैंने ट्रेडिंग और फार्मिंग ही की। इस काम को करते हुए मैं पागल हो जाऊंगा। डे 127 पर मुझे अपने घर के नीचे एंडरमैन भाई की पूरी फैमिली मिली, लेकिन वो सभी वहाँ पर कैद थे, जिसका मतलब था कि मैं उन्हें मार सकता हूँ। तो मैंने एक डर्ट का रूफ बनाया और उसके बाद उन्हें मारना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि एंडरमैन डर्ट ब्लॉक्स उठा सकते हैं, जिसका मतलब था कि मेरी लंका लग गई है। बट लकीली इस बार कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके हाथ में पहले से ब्लॉक पड़े हुए थे, पर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं नहीं बचूंगा। और बचे हुए दिन मैंने फिर से एएफके किया। नेक्स्ट डे मैंने फिर से गाजर फार्म की और पिगी भैया को ब्रीड करवाया, लेकिन इन सभी काम से मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था और हमारे वर्ल्ड में बारिश नहीं हो रही थी। तो अगले काफी दिनों तक, कुछ ज्यादा ही दिनों तक, मैंने अपना फेवरेट काम किया जो था एएफके करना। लेकिन इसके साथ मैंने कुछ और भी जरूरी काम किए, जैसे जानवरों को ब्रीड करवाना और मॉब्स को मारना। अच्छा, फाइनली ओक ट्री ग्रो हो गए और उसके साथ ही एक ट्री में बीहाइव भी स्पॉन हुआ था, लेकिन शायद बी ने कुछ नशे कर रखे थे। और उसके बाद मैं अगले काफी दिनों तक सिर्फ फार्मिंग करता रहा, लेकिन डे 139 पर एक चमत्कार हुआ। एएफके करते हुए हमारे वर्ल्ड में जल्दी से अंधेरा होने लगा, जिसका मतलब था फाइनली हमारे वर्ल्ड में एक थंडरस्टॉर्म आया था। तो पिगी भैया पिगलिन में बदल गए, तो पूरे दिन मैंने उन्हें मारने में लगाया, लेकिन पिगी भैया पर सिर्फ एक बार ही बिजली पड़ी और फिर थंडरस्टॉर्म खत्म हो गया, जिसका मतलब था कि थंडरस्टॉर्म ने भी हमारा काट दिया। बट एटलीस्ट हमारे पास गोल्डन एप्पल बनाने लायक गोल्ड इकट्ठा हो गया था। तो गोल्डन एप्पल बनाने के बाद नेक्स्ट डे मैं गया विलेजर को क्योर करने, लेकिन उसे क्योर करते हुए मैं चमत्कारी तरीके से शहीद हो गया। और जब मैं अपना सामान इकट्ठा करने लगा तो वहां पर एक क्रीपर भाई फट गए और ज़ॉम्बी विलेजर के साथ मेरा गोल्डन एप्पल भी गायब हो गया। गायब हो गया। इस छोटी सी गलती ने, छोटी तो नहीं थी, इस बड़ी सी गलती ने हमारी पूरी वीडियो में एल लगा दिए। लेकिन अब मेन बात ये थी कि हम बिल्कुल लाचार हो गए थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे सिर्फ एक चीज के अलावा, और वो था AFK। अब मुझे लगा WWE स्टाइल से ज्यादा कूल लगेगा। तो अगले काफी दिनों तक हमने सिर्फ AFK किया, लेकिन डे 145 पर फिर से हमारे वर्ल्ड में अंधेरा होने लगा, जिसका मतलब था कि ये था एक थंडरस्टॉर्म, ये थी नॉर्मल रेन। लगता है माइनक्राफ्ट गॉड भी हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मुझे फार्मिंग करते हुए ध्यान आया कि हमारे पास कुछ आलू भी थे और चेस्ट में मुझे 2 आलू मिले। मैंने बोन मिल का यूज करके काफी सारे आलू इकट्ठा किए और सारी फसल के साथ ही उन्हें भी फार्म कर दिया। वैसे तो हमारे पास खाने के लिए काफी सारा सामान है, लेकिन आलू का यूज हम ट्रेडिंग में कर सकते हैं। इसका यूज करके हम ऐसी मशीन बनाएंगे कि एक साइड से आलू डालेंगे और दूसरी साइड से एमरल्ड निकलेगा। मजा आया।
और अगले काफी दिनों तक मैंने फिर से फार्मिंग और ट्रेडिंग ही की। वैसे तो हमारे पास काफी सारी वुड थी, लेकिन बिल्डिंग के लिए हमें और वुड चाहिए थी और स्पार्क ने काफी सारा एरिया भी खाली कर रखा था, तो हमारे पास जितनी भी सैपलिंग थी मैंने उस एरिया पर सारी लगा दी और अगले कुछ दिनों तक सिर्फ वुड इकट्ठा करता रहा। लेकिन मैंने इतने सारे पेड़ लगा दिए थे कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैंने उस एरिया से सारी सैपलिंग हटा दी क्योंकि हम काफी सारी वुड इकट्ठा कर चुके थे। और इतनी मजदूरी के बाद मैं फाइनली बेड पर सोने के लिए गया, लेकिन तभी अंडर गैंग ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं पहली बार इस वर्ल्ड में मारा गया, मतलब इस वीडियो में। अब इन डर्ट हाउसेस का भी कोई काम नहीं था, अब क्या वैसे उनका पहले भी कोई काम नहीं था, तो मैंने उन सभी घरों को हटा दिया और डर्ट के कैसल में भी सिर्फ मॉब स्पॉन हो रहे थे, तो अब टाइम था उसे भी रिमूव करने का। कैसल काफी ज्यादा बड़ा था और उसे वुड शेवल से रिमूव करते हुए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली काम पूरा हो गया। फिर हमने उस एरिया को स्लाइम प्रूफ किया ताकि वहां पर फिर से स्लाइम स्पॉन ना हो। फिर मैं फसल के पास गया और घटिया स्लाइम उस जगह को बर्बाद कर दिया था, और इसी तरह किसी दिन मेरा इंटरनेट भी मुझे बर्बाद कर देगा। और अब हमारे पास काफी सारे गाजर, आलू और पंपकिन थे, और साथ ही हमारे पास 38 एमरल्ड ब्लॉक्स भी थे, तो अब हमें ट्रेडिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। शवल के साथ स्पॉन प्रूफिंग करने के बाद भी घर के अंदर बहुत सारे स्लाइम स्पॉन हो रहे थे, तो मैंने ब्लॉक्स को दोबारा प्लेस कर दिया। लेकिन अब काफी सारे दिन भी हो गए थे और इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन हमारा टारगेट था इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना। तो डे 157 पर हमने काम शुरू किया और क्योंकि हमारा बेस बहुत ज्यादा बड़ा था तो इस पर काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और डे 64 पर फाइनली थंडरस्टॉर्म नहीं आया, नहीं कभी आएगा। और नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि माइनक्राफ्ट में एक नया अपडेट भी आया है जिसमें स्लाइम के पास अल्टीमेट स्पीड है। काश इतनी स्पीड से हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ते। इसके बाद मेरे इंटरनेट ने बिल्कुल दम तोड़ दिया और मैं काफी सारे दिन खेल नहीं पाया। डे 164 तक हमने बेस के बाहर का काम पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो अब बारी थी अंदर वाले पार्ट की। और अंदर हम बनाने वाले थे बहुत ज्यादा बड़े खेत, लेकिन अभी तक हमारे वर्ल्ड में थंडरस्टॉर्म नहीं आया था और विलेजेस के बिना इसमें प्रोग्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे पास छोटे मोटे काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। वेट अ मिनट, एक ऑप्शन तो अभी भी है। थंडरस्टॉर्म ना आने के बिना हम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन तभी डे 167 पर हमारे वर्ल्ड में फाइनली एक थंडरस्टॉर्म आया। और इस बार हमारे साथ प्रैंक नहीं हुआ क्योंकि काफी सारे सुअर पिगमैन बन गए, उन्हें मारने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन अब हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 गोल्डन एप्पल लायक गोल्ड हो गया था, तो अगले दिन मैंने 2 गोल्डन एप्पल बनाए और एक गोल्डन एप्पल को मैंने चेस्ट के अंदर रख दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस। और फिर डे 169 हमारे लकी डे पर मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर दिया। प्लीज कोई हमारे इंटरनेट को भी क्योर कर दो। उस विलेजर को हम अपने टेम्परेरी बेस के अंदर ले गए और उसे एक मछुआरा बनाया क्योंकि हम मछुआरे से कैंप फायर ट्रेड कर सकते थे। कैंप फायर को तोड़कर हमें चारकोल मिलता है, तो उससे हम काफी सारी टॉर्चेस बना सकते थे। लेकिन उस मछुआरे को अपग्रेड करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसके लिए हमें स्ट्रिंग और फिश चाहिए थी और हमारे पास दोनों ही चीजें नहीं थी। तो मैंने काफी देर तक फिशिंग की और ट्रेड करता रहा। हमें चाहिए थी काफी सारी स्ट्रिंग और हमारे पास बहुत ही कम स्ट्रिंग थी क्योंकि मैंने सभी स्ट्रिंग का वूल बना दिया था। मोफार्म में थोड़ी बहुत स्ट्रिंग पहले से पड़ी हुई थी और थोड़ा बहुत एफके करने के बाद हमारे पास उसे अपग्रेड करने लायक स्ट्रिंग हो गई। तो डे 172 पर मैंने उसे अपग्रेड किया और अब वो फाइनली हमें कैंप फायर बेच रहा था। कैंप फायर तोड़कर हमें मिलने वाला था कोल, जिससे हम बना सकते थे बहुत सारी टॉर्चेस। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो कैंप फायर मुझे सिर्फ एक एमरल्ड के बदले बेच रहा था, और क्योंकि एमरल्ड्स की हमारे पास कोई कमी नहीं थी तो हमने उससे काफी सारी कैंप फायर खरीदी और बेस में टॉर्चेस लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने काफी सारे बेड बनाए और विलेजेस को ब्रीड करवाने के लिए उन्हें कैरेट दी और फिर बच्चा पैदा होने का वेट किया। और थोड़ी देर बाद ही फाइनली एक बच्चा पैदा हो भी गया। जल्द ही ये भी हमारी मजदूर की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं इसे आजाद ही रहने दूंगा। फिर मैंने एक स्मिथिंग टेबल बनाया जिससे कि हम विलेजर को टूल स्मिथ की जॉब दे सकते हैं और फिर हम उससे टूल्स खरीद पाएंगे। उसके बाद मैंने पूरा दिन उन्हें ब्रीड करवाया और उनसे ट्रेडिंग की, और दिन के एंड तक मजदूरों का परिवार काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। और फिर डे 76 पर हमारे बेस में फाइनली आयरन गोलम स्पॉन हुए, जिससे कि हमारा सदियों का कष्ट खत्म हो गया और आयरन टूल्स की हेल्प से काम करना बहुत ही इजी हो गया। इसी बीच एक विलेजर ने एस्केप कर दिया और वो जाकर सुअरों के पास चला गया, जो कि उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी क्योंकि है तो वो भी एक सुअर ही। शाम तक एक और मजदूर बड़ा हो गया था और वो बन गया था एक टूल स्मिथ। तो मैंने उसे अपग्रेड करने के लिए उसे बहुत सारी स्टोन की पिकेक्स खरीदी। अपग्रेड होने के बाद भी वो टूल्स नहीं बेच रहा था क्योंकि हमें उसे एक और बार अपग्रेड करना था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो मैंने उसे अपग्रेड नहीं किया क्योंकि अब हमारे आयरन का जुगाड़ हो गया था और वो था आयरन गोलम। थोड़ी देर बाद एक और विलेजर बड़ा हो गया, तो उसे भी मैंने टूल स्मिथ बना दिया। लेकिन अपग्रेड करने के बाद वो भी पिछले वाले जैसा ही सेम चीजें बेच रहा था, लेकिन अब बहुत ही सारे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे, तो अब हमारे पास आयरन का एक अच्छा सोर्स था।
नेक्स्ट डे मैंने आयरन के टूल्स बनाए। हमारे एरिया में बहुत ही सारे स्लैम स्पॉन हो रहे थे तो मैंने रस्सी की हेल्प से आयरन गोलम को बाहर निकाला और उसे बीच में जाकर रख दिया और ये तरीका काफी अच्छे से काम कर रहा था। उसके बाद मैंने काफी सारे आयरन गोलम मारे और नेक्स्ट डे तक मेरे पास आर्मर बनाने लायक आयरन इकट्ठा हो गया था तो मैंने फाइनली अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया। लेकिन मैं इतने में नहीं रुकने वाला था, मैं आयरन गोलम को मारता रहा और इसी के साथ मैंने अपने घर में एक और खिड़की बना दी ताकि विलेजर्स की और फट सके और ये ज्यादा रेट में आयरन गोलम स्पॉन करे। अगले काफी दिनों तक मैंने छोटे मोटे काम किए और इसके साथ मैं गोलम को भी मारता रहा और अब मैं बन चुका था स्पार्क द गोलम स्लेयर। एक छप्पड़ मार दूं। नेक्स्ट डे मैंने आयरन गोलम, स्लाइम और सूअरों को मारा। धीरे धीरे मैं अच्छे आदमी से बुरा आदमी बनता जा रहा हूँ लेकिन मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। उसके बाद हमने गोलम मारना और टॉर्चेस प्लेस करना कंटिन्यू रखा और फाइनली फुल आयरन आर्मर कंप्लीट कर दिया। और क्योंकि अब हमारे पास विलेजर्स थे तो सूअरों की हमें कोई भी जरूरत नहीं थी तो हमने उन सभी को टपका दिया और अब हमारे पास बहुत ही सारे विलेजर थे लेकिन कोबलस्टोन ना होने की वजह से हमारे पास ज्यादा जॉब ऑप्शन नहीं थे। इसके साथ ही हमने भागे हुए विलेजर को दोबारा कैप्चर किया। वैसे तो हम उसे मार देते लेकिन उससे हमने काफी ज्यादा ट्रेड की थी तो हमारा नुकसान हो जाता तो इसलिए वो बच गया। उसके बाद मैंने फ्लेम के एरिया सूअरों के एरिया को बंद किया क्योंकि अब हमें सूअरों की जरूरत नहीं थी। डे 180 पर मैंने फाइनली इस वर्ल्ड में खाना कुक किया। सैडली हम फर्नेस नहीं बना सकते क्योंकि इस वर्ल्ड में स्टोन का कोई भी सोर्स नहीं है लेकिन एटलीस्ट हम कैंप फायर पर कुक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हॉपर बनाए और अपने मॉब फार्म को पूरा कंप्लीट किया जिसमें ज्यादा नहीं सिर्फ 180 दिन लगे। टॉर्चेस लगाने के बाद भी बेस के अंदर बहुत सारे स्लाइम स्पॉन हो रहे थे और वो बार बार फसल के एरिया को बर्बाद कर रहे थे तो मैंने फसल के चारों तरफ फेंस लगाने का सोचा और इसी बीच फिर से टेडर भाई आए थे जो कि इस बार बेच रहे थे मेलन सीड तो मैंने उनसे थोड़े बहुत सीड्स खरीद लिए। इसी बीच मैं गोलम को मार रहा था लेकिन तभी एक स्लैम ने मुझे धक्का दे दिया और गोलम भाई ने मुझे गोलम भैया को मारकर मैं बोर हो गया था तो मैंने फार्मिंग का काम दोबारा शुरू किया। लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, सिर्फ इतने से काम में बहुत सारे दिन लग गए। लेकिन डे 187 पर मैंने एक चमत्कारी चीज देखी, गोलम भाई ने दूसरे गोलम भाई या बहन को प्रपोज किया लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। अब समझ आया कि आयरन गोलम भाई इतने दुखी क्यों रहते हैं। काफी दिन तक मजदूरी करने के बाद हमारे खेत का काम पूरा कंप्लीट हो गया लेकिन अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बची हुई थी और वो था एक घर। 200 दिन होने के बावजूद भी हमारे पास घर भी नहीं है, घर होता तो था लेकिन हमने उसे रिमूव कर दिया। तो डे 191 पर मैंने घर बनाना शुरू किया। काफी सदियों तक दिहाड़ी लगाने के बाद घर बनकर कंप्लीट हो गया। इस घर में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप की लकड़ी थी और साथ ही बहुत ही कम टाइम था। मैं घर के बाहर काम कर रहा था लेकिन तभी मुझे घर के अंदर से ज़ॉम्बी विलेजर की आवाज आई जिसका मतलब था कि हमारे विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर बन गए हैं। तो मैं जल्दी से घर के अंदर गया लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी विलेजर था जो कि घर के ऊपर स्पॉन हुआ था। तो हमारे विलेजर सेफ है और काफी लोगों का ये सवाल भी होगा कि हम अंदर से घर ठीक कब करेंगे तो इसका जवाब है कभी नहीं क्योंकि ये विलेजर हमारे बंदी है, वो वाला बंदी नहीं हमारे कैदी है। उसके बाद भी मैंने काफी देर तक घर पर काम किया और वो घर ठीक ठाक लग रहा था क्योंकि उसमें चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अब हमारा घर भी कंप्लीट हो गया और हमारे 200 डेज भी कंप्लीट हो गए लेकिन फिर भी हमने थोड़े बहुत छोटे मोटे काम किए और अपने एरिया को डेकोरेट किया और काफी ज्यादा मेहनत के बाद हमने फाइनली काम पूरा कर दिया। इस काम को पूरा करते हुए हमें 200 दिन से थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया लेकिन फाइनली काम कंप्लीट हो ही गया। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।